एक वीडियो पहले बनी थी कैपेसिटर वाली, उसके जो बेसिक्स हैं उन्हें देख लेंगे एक बार। और आज हम बात करते हैं किरचॉफ के जो लॉ हैं उनके ऊपर, जो न्यूमेरिकल होंगे उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमें पहले कुछ पॉइंट नोट करने पड़ेंगे, ये आप भी कर लेना बेसिक। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कोई भी सर्किट है उसमें हम पोटेंशियल कैसे देख पा रहे हैं, ये बात है सबसे पहले मेन। जैसे अगर ये कोई सर्किट दिया हमारे पास, पहले हम कोई एक सिंपल सर्किट मान लें, इसमें मान के चलो तीन रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं और इसमें कोई एक बैटरी कनेक्ट है, ये हमने मान के चला 15 वोल्ट की बैटरी है, ये कनेक्ट है, तीन ये रेजिस्टर है। अब जो ये 15 वोल्ट की बैटरी का ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इन तीनों में डिवाइड होगा। अब ये कुछ भी हो सकता है, मान के चलो तीनों में पांच पांच हो जाए, या एक में छह, एक में चार, एक में पांच, कैसे भी हो अगर सीरीज में है तो ये पोटेंशियल इनमें डिवाइड होगा। पहली कंडीशन तो हो गई इसकी, ये इसे स्टेप वन मान ले। अब इसके बाद कंडीशन हम टू देखते हैं, अगर ये जुड़े हुए हैं पैरेलल में, मान के चलो ये दो रेजिस्टर हैं पैरेलल में जुड़े हुए हैं और इससे कनेक्ट है एक 10 वोल्ट की बैटरी, तो 10 वोल्ट की बैटरी अगर ये पैरेलल में जुड़ी हुई है तो इसका सीन ये है कि इसमें कितने भी पैरेलल में जुड़े हुए हों सबका जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट ही रहने वाला है। अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो ये पोटेंशियल डिवाइड होगा, और पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो ये डिवाइड नहीं होगा, जितना है एज इट इज ऐसे ही रहेगा। अब हम जो क्वेश्चन डील कर रहे हैं उनमें क्या है, एक कई सारे भी हो सके, मान के चलो एक जुड़ा है इसके साथ एक और है सीरीज में, ये दो दो भी हो सकते हैं। अब इसके बाद कोई बैटरी लगी हुई है, ये मान के चलो 10 वोल्ट की बैटरी है, तो इसका पूरे का 10 वोल्ट होगा, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी। अब ये 10 वोल्ट इसमें सीरीज में डिवाइड हो सके, मान के चलो ये 6 4 बढ़ जाए, 5 5 बढ़ जाए, 3 7 बढ़ जाए, जैसे भी ये अकॉर्डिंग वो हम क्वेश्चन में कैलकुलेशन के बाद देख पाएंगे। मगर जो मेन हमारा फोकस है, जो पहली बात का हमें ध्यान देना है, अगर कोई बैटरी जुड़ी हुई है और उसका पोटेंशियल हमें पूरे सर्किट में देखना है, तो अगर सर्किट में रेजिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो वो पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा, और अगर पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो ये पोटेंशियल जितनी भी पैरेलल साइड होंगी उन सब में हो जाएगा ये सेम। ठीक, अब किरचॉफ लॉ है वो दोनों लॉ आपने पढ़े होंगे, पहला समेशन आई जीरो होता है, दूसरा आई आर इक्वल टू समेशन ई। अब इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम, इन दोनों में से ही ये कंफर्म है, चार या पांच टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, इनमें से एक क्वेश्चन 5 नंबर का ये बिल्कुल कंफर्म है, दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती पेपर में आने से। और ये भी गारंटी है, अगर ये वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन नहीं कर पाए तब बताना, ऐसी मैं अप्रोक्स 8 से 10 वीडियो बना दूंगा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिनमें से ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, तो इसकी ही वीडियो, एक वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट आज मिलने वाले हैं तुम्हें। एक क्वेश्चन ये मानो, अगर इसमें पूरा फोकस दे दिया 5 नंबर पक्के, ये दुनिया की कोई ताकत इसे रोकने वाली नहीं है। इसमें पहले हम जनरल स्टार्ट करते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बाकी ये कैपेसिटर में मैं बता कर आया था, जैसे कोई पॉइंट दिया है ए टू बी, तो टोटल पूछा है ए टू बी, तो हमें ए से बी तक जाने के रास्ते खोजने हैं, कितने रास्ते से हम जा सकते हैं, बाकी ये सब क्वेश्चन से देख के हम पता कर पाते हैं क्वेश्चन होते कैसे। ये पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल जनरल से हम स्टार्टिंग करते हैं और ये कंफर्म है 5 नंबर इस वीडियो से कंफर्म होने वाले हैं। सबसे पहला जो काम है हमें क्या करना है, ये दो हमें सेल दिए हुए हैं, ये एक सर्किट में जुड़े हुए हैं दो सेल, सबसे पहले हमें देखनी है इसमें करंट की डायरेक्शन, सेल एक जुड़े हैं, दो जुड़े हैं, तीन जुड़े हैं, जितने भी सेल हैं उनसे हमें करंट की डायरेक्शन देखनी है। इसमें जो बड़ा वाला चार्ज है पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव, करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है, तो पहला जो ये सेल है इसमें हम देख पा रहे हैं करंट की डायरेक्शन
पॉजिटिव टू नेगेटिव आएगी। दूसरे वाले में देख रखें, इसमें भी पॉजिटिव टू नेगेटिव। सबसे पहला काम हमारा करंट की डायरेक्शन समझ ली, उसके बाद हमें रिजल्टेंट ईएमएफ देखना होता है। रिजल्टेंट ईएमएफ, ई इसमें टोटल है कितना। अब अगर करंट की डायरेक्शन दोनों की सेम है तो इसमें कितने भी दो हो पांच हो, अगर डायरेक्शन सेम है तो हम इन्हें ऐड कर लेंगे, और अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा इफेक्टिव ईएमएफ। तो यहाँ इफेक्टिव ईएमएफ कितना आएगा, क्योंकि दोनों में जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम है, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो इसका जो इफेक्टिव ईएमएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 3 वोल्ट। सबसे पहला काम हमारा, कोई भी सर्किट है उसमें टोटल कितने सेल लगे हुए हैं, कितने ईएमएफ कनेक्ट हैं, उन सब की करंट की डायरेक्शन देखने के बाद हमें इफेक्टिव ईएमएफ निकालना है। सबसे पहला काम कोई सा भी क्वेश्चन हो, सब में यही काम करना है हमें। इससे दूसरी बात इसमें टोटल रेजिस्टर कितने लगे हुए हैं, ये हम कैपेसिटर में पढ़ जाए। अगर हम एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करें, यहाँ कोई पॉइंट नहीं दिया, मैं मान के चल रहा हूँ ये पॉइंट ए मान लूं और ये वाला बी, ए से अगर हम बी तक चले या ए से वापस लौट के हमें ए पे ही आना है, क्योंकि सर्किट तो फुल है, करंट फ्लो होगा ये पूरा। ए से वापस लौट के हमें ए पे ही आना है, तो ये जो करंट है कॉमन इन सब में फ्लो होता हुआ चला जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि करंट गया, जाने के बाद किसी दो रास्तों में बटा, बटने के बाद वापस मिला और लौट के आया, ऐसा हमें कोई सीन यहां देखने को नहीं मिला, क्योंकि करंट जो गया बिल्कुल एज इट इज जाता हुआ वापस नहीं आ गया। कहीं भी जगह दो जगह एक करंट डिवाइड नहीं हुआ। अगर करंट डिवाइड नहीं होता है तो उस कंडीशन में जो हमारा ये कॉम्बिनेशन है वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ जो रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन होगा टोटल R प्लस R, वो सब सीरीज का होगा, और सीरीज में जो हम रेजिस्टर निकालते हैं टोटल वो डायरेक्टली हम सबको जोड़ लेते हैं। अब यहाँ हम एक तरफ से इसको ऐड करना स्टार्ट करें तो ये 2.25, इसके बाद आए तो ये 0.25 और इधर आए तो 0.5। इसको जब हम टोटल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 ओम। पहला काम हमने टोटल ईएमएफ देखा, करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जोड़ लिया, इसके बाद टोटल इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, क्योंकि करंट एक ही टाइप से फ्लो रहा, कहीं डिवाइड नहीं हुआ, तो इन सब को हमने डायरेक्टली सीरीज में जोड़ लिया। इसके बाद हमें निकालना है इसमें करंट फ्लोइंग। ये क्वेश्चन थ्योरी में हम ये डेरिवेशन पढ़िया है, आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, यहां से E की वैल्यू है 3 और R प्लस R की वैल्यू भी है 3, तो I की जो वैल्यू आई पूरे सर्किट में वो आई 1 एम्पियर। पहला आंसर हो गया हमारा ये। तो एक बार ये बेसिक क्वेश्चन है, सबसे पहले हमने टोटल ईएमएफ देखा, उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस और जो करंट निकालना है, ये फॉर्मूला होता है I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, इसमें पुट करने के बाद जो सर्किट में फ्लो होने वाला टोटल करंट है वो आ गया हमारा 1 एम्पियर। इसके बाद हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, ये कुल मिला के दोनों सेल का निकालना है हमें। तो सेल के लिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा V इक्वल टू ई माइनस आई आर। अगर हम पहले सेल के लिए बात कर रहे हैं तो इसमें ई एम एफ है 1.5 वोल्ट, ई की वैल्यू है पहले सेल के लिए 1.5 वोल्ट और करंट इसमें टोटल यही फ्लो होगा, तो करंट की वैल्यू कितनी है I, इसे हम स्मॉल R भी यूज कर लें या कैपिटल R, उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये इसका सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, R की वैल्यू है इसमें 0.5, तो ये हो गया 1.5 माइनस 0.5 इक्वल टू 1 वोल्ट। तो इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो आया 1 वोल्ट। ऐसे ही हम दूसरे का सेल कर लेंगे, इसे 1 मान लें। अब V2 भी निकालेंगे तो E माइनस आई आर, इसका EMF भी कितना है 1.5 वोल्ट, इसमें करंट भी 1 एम्पियर फ्लो होगा और इसका रेजिस्टेंस है 0.25, तो ये हो गया 1.5 माइनस 0.25, जब इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा 1.25 वोल्ट।
वोल्ट। ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया। सबसे पहले ये हम देख लेंगे ईएमएफ टोटल देखा कितना है, करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों ऐड कर लिए। उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस देखा तो करंट निकाल लिया। करंट निकालने के बाद हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस का, V equal to E minus I R। तो जो दोनों सेल हैं उनसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। ये सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन था, इतना आसान नहीं मिलेगा पेपर में, इसका लेवल थोड़ा अप ही मिलेगा। ये देखो भाई अगला क्वेश्चन 2018 और 20 में आया हुआ है, इसमें क्या पूछा है, जो सेल लगे हुए हैं हमारे उनमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना, उनके टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो हमें अपना पहला जो क्वेश्चन किया है उसके अकॉर्डिंग जो बातें हैं लेकर चलनी है। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो इसमें इफेक्टिव ईएमएफ है वो हमारा कितना काम करेगा। जो हमारा ये पहला सेल है इसमें हम देख पा रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव ये है, तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो सी टू ए है, यानी कि इसमें करंट की डायरेक्शन होगी आगे की ओर। इसके बाद हम दूसरा सेल देखें तो इसमें पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव हम पहचान पा रहे हैं। अब इसे देखें तो इसमें करंट की डायरेक्शन इस पहले वाले के अपोजिट हो जाएगी, यानी कि यहाँ जो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें दोनों जो सेल है उनमें उनसे निकलने वाले करंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है एक दूसरे के। तो इसमें जो इफेक्टिव ईएमएफ होगा हमें क्या करना है, ज्यादा वाले में से कम वाला घटाना है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होती, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे होते तो दोनों को हम ऐड कर लेते। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन है तो अपोजिट डायरेक्शन का क्या काम करना है, ज्यादा वाले में से कम वाला घटा देना है। तो जो इफेक्टिव ईएमएफ आ जाएगा इस सर्किट के लिए टोटल कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट। सबसे पहला काम हर क्वेश्चन में ये भी देखना है कि इसमें जो सेल लगे हुए हैं उनसे करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। अगर सेम डायरेक्शन में है तो ईएमएफ जुड़ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो ईएमएफ घट जाएगा, ज्यादा वाले में से कम वाले को हम घटा लेंगे। सबसे पहला काम। दूसरा काम कि इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस है कितना, स्मॉल आर भी और कैपिटल आर। ये जो सेल के पास लगे हैं ये इनके इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं स्मॉल आर, और जो अलग से हैं ये होते हैं कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो अब इसमें हम देखें किसी भी एक पॉइंट से चले दूसरे पॉइंट तक लौट कर आए, हम कहीं भी ऐसी पोजीशन न मिली जहां पर करंट डिवाइड हो रहा हो, सीधा गया करंट वापस चल के सीधा ही आ गया। इसका मतलब ये है कि जितने भी रेजिस्टर लगे हुए ये सब सीरीज में होंगे। तो सीरीज में अगर मैं इन्हें जोड़ूं तो पहला 5 हो गया, 2 और 1, तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस आया वो आया हमारे पास 1 ओम। तो सबसे पहला काम किया हमने इफेक्टिव ईएमएफ निकाला करंट की डायरेक्शन देख के, दूसरे नंबर पे इसका रेजिस्टेंस निकाला। अब इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद हमें निकालना है इसमें सर्किट में करंट कितना होगा। करंट निकाला हमने आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, ये फॉर्मूला है जनरल। ई है इसमें 2 वोल्ट और आर है 8 ओम, तो आई आ गया टोटल निकल के इसे काटेंगे 1 अपॉन 4 को बोलते हैं 0.25 एम्पियर। इसमें 0.25 एम्पियर का जो करंट है वो टोटल सर्किट में फ्लो होगा, टोटल सर्किट में जो करंट है वो कितना फ्लो होगा, 0.25 एम्पियर। हमें क्या निकालना है, टर्मिनल जो है सेल के उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। ये पहले क्वेश्चन में एक बार फॉर्मूला यूज हुआ था V equal to E minus I R। अगर हम पहले सर्किट की या पहले मैं इस 4 वोल्ट वाले की बात कर रहा हूं तो V equal to इसका EMF है 4 वोल्ट माइनस आई की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 0.25 इंटू आर, इसका आर है हमारे पास 2 ओम, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0.5 इक्वल टू 3.5 वोल्ट। समझने वाली बात ये है कि इसमें जो सर्किट में टोटल करंट फ्लो हुआ वो इस वाले सेल की वजह से हुआ, तो इसकी डायरेक्शन हम सही मानेंगे। तो इसकी वजह से ये डायरेक्शन करंट की ये होगी, ये वाली हमने डायरेक्शन मान ली, मगर इस करंट की डायरेक्शन से इसकी डायरेक्शन है अपोजिट। अगर फिजिक्स में कोई भी दो चीज अपोजिट है, अगर ये सही है इसकी चल रही है बात, यानी कि इसका करंट ज्यादा ये अगर ज्यादा है तो इसका करंट चलेगा, तो इसका जो करंट है वो हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। जो दूसरा वाला सेल है जिसका करंट हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि जो टोटल करंट है
वो उसकी डायरेक्शन भी सी टू बी, मगर इसके जो करंट की डायरेक्शन है वो होगी बी टू सी। इसकी वजह से जो ये 2 वोल्ट ईएमएफ वाला सेल है, इसका हमें करंट की डायरेक्शन नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो इसका जब हम बी टू निकालेंगे तो फॉर्मूला बनी ई माइनस आई आर, तो ई है इसका 2, जब आई लेंगे हम 0.25 तो इसकी आई हमें नेगेटिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसके करंट की डायरेक्शन होल करंट की डायरेक्शन के अपोजिट है। जब ये माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और आर की वैल्यू है इसमें 1 ओम, तो इसे हम देखेंगे 2.025, तो ये आ गया 2.25 वोल्ट। ये जो दोनों सेल लगे हुए हैं उनके एंड के बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले ईएमएफ देखना है, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस, सर्किट में करंट कितना है, उसके बाद हम ये चीज निकालेंगे। ये नॉर्मल 3 चीज तो हमें हर एक क्वेश्चन में करनी ही है, ईएमएफ देखना, टोटल रेजिस्टेंस देखना, उसके बाद करंट देखना, ये हर क्वेश्चन में चाहिए हमें। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिंपल इसी तरह है, ये इसकी लास्ट कैटेगरी है। बाकी जो आपकी कोई भी किताब हो, मेन काम है हमारा कॉन्सेप्ट सीखना, किताब कोई भी हो, कोई सी भी किताब उठा के इस कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन है वो क्लियर करने। तो इस कॉन्सेप्ट के तीसरा क्वेश्चन है, ये लास्ट होगा मेरी तरफ से। बाकी आप कोई भी किताब है, कोई भी किताब उठा के देखो, अगर क्वेश्चन इस टाइप पर नहीं होता है तो एक बार मुझसे कॉन्टेक्ट करो। तो इसमें हमें करना क्या है, ये जो पोटेंशियल, एक पोटेंशियल मीटर लगा दिया है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की हमें रीडिंग फाइंड करनी है। सबसे पहला काम हमारा, जो डायग्राम हमें दिया हुआ है उसमें टोटल ईएमएफ देखना है। ईएमएफ हम कैसे देखेंगे, जो भी सेल लगे हुए हैं उससे करंट की डायरेक्शन देखो, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इससे करंट की डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसके बाद हम दूसरा लेंगे, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव लगा दो, तो कुल मिलाकर हम ये देख पा रहे हैं, ये चलेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव और ये भी चलेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि जो दोनों सेल लगे हुए हैं इन दोनों की वजह से इस सर्किट में करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, इस 18 वोल्ट वाले की और 12 वोल्ट वाले सेल की दोनों में करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अपोजिट हो जाएगी तो इफेक्टिव ईएमएफ आएगा क्या, हमेशा ज्यादा वाले में से घटाना है कम वाला, ज्यादा वाले में से कम वाले की ज्यादा चलेगी पावर, ज्यादा इसकी कम इसकी, ज्यादा किसकी चलेगी, ज्यादा पावर वाले की। तो 18 में से 12 गया तो टोटल जो इफेक्टिव ईएमएफ आया वो आया हमारे पास 6 वोल्ट। सबसे पहला काम हमारा, जो हमें सर्किट दिया हुआ है इसमें इफेक्टिव ईएमएफ फाइंड करना, तो हम देख पा रहे हैं हमने इफेक्टिव ईएमएफ फाइंड कर लिया। दूसरा काम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना, यानी कि आर प्लस आर, इसमें कैसे भी हो इंटरनल एक्सटर्नल, क्योंकि इसमें दोनों ही इंटरनल है, स्मॉल आर है, हमें इससे इफेक्ट नहीं है, टोटल लिख लिया हमने। तो एक पॉइंट से हम चल रहे हैं, लौट के वापस इसी पॉइंट पर आ रहे हैं, हमें कहीं भी डिवाइड होना नहीं पड़ा। इसका 1% और कर पाऊंगा मैं जहां हमें डिवाइड होना पड़ेगा, अगला क्वेश्चन ही देखते हैं। तो इसमें हम यहां से चले पॉइंट से वापस लौट के इसी पॉइंट पर आए, तो हमें कहीं भी डिवाइड होना नहीं पड़ा, नहीं पड़ा था, ये दोनों होंगे सीरीज में, सीरीज में डायरेक्ट जोड़ लेते हैं 1 + 2 = 3 ओम। तो इसमें टोटल करंट आएगा कितना, पहले हम ये देखते हैं, आई इक्वल टू सर्किट में जो करंट आएगा वो होगा ई अपॉन आर प्लस आर, ई की वैल्यू 6 है और ये 3 है, 3 से कट जाएगा ये 2 टाइम्स, तो टोटल करंट इस सर्किट में आया 2 एम्पियर। तो ये काम हमें हर क्वेश्चन में करना, वो करना कैसे है वो देखते हैं आगे। इससे आगे एक जो करंट चल रहा है दो जगह डिवाइड होगा, इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहां तक क्या हुआ, हमने सबसे पहले देखा इफेक्टिव ईएमएफ, दोनों में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट है तो ज्यादा वाले में से कम वाला ईएमएफ घटाया, तो इफेक्टिव ईएमएफ आया 6 वोल्ट। इसके बाद टोटल रेजिस्टेंस देगा, टोटल रेजिस्टेंस ये दोनों सीरीज में है जोड़ लिए, इसके बाद हमने क्या किया करंट देगा, करंट के लिए फॉर्मूला आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। तो इस सर्किट में जो करंट आया वो आया 2 एम्पियर। अब रीडिंग हम कैसे निकाले वोल्ट मीटर की, ये इस वाले सेल से कनेक्ट है, ऊपर वाले सेल से, ऊपर वाले सेल का हमें बी निकालना है, बी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की जो रीडिंग है वही वोल्ट मीटर ये रीडिंग आ जाएगी उसमें।
तो ये फॉर्मूला क्या है हमारे पास, E माइनस आई आर, E की वैल्यू है ऊपर वाले सेल की 18 वोल्ट और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है 2 एम्पीयर और इसका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो 18 माइनस 2 इनटू 2 यानी कि टोटल इसकी जो रीडिंग आई वो आएगी हमारे पास 14 वोल्ट। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, E निकाला, टोटल रेजिस्टेंस निकाला, इसमें करंट कितना फ्लो हुआ, फिर हुआ तो इसका जो सेल है इसके टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ये V कितना होगा वो हमने निकाला, हमारे पास निकल आया 14 वोल्ट। ये एक क्वेश्चन है हमारे पास 2022 में आया हुआ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी है कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट सब वही है जो शुरू से हमने पहले क्वेश्चन से किए हैं, काम सब में वो ही करना है, हमें सबसे पहला काम करना है इफेक्टिव ईएमएफ देखना, उसके लिए हमें करंट की डायरेक्शन देखनी है, इसे बनाओ पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि करंट है उसकी डायरेक्शन हमें सेम मिल रही है, करंट की डायरेक्शन दोनों में हमारे पास सेम है, ठीक। ठीक मैं देखता हूँ शायद इसमें प्रिंटिंग में दिक्कत है, क्वेश्चन आगे करके देखते हैं, ये शायद सेल की डायरेक्शन एक में दो क्वेश्चन छपे हुए हैं, एक में अपोजिट है, देखते हैं बात कोई नहीं। तो हम इसमें देख पा रहे हैं इफेक्टिव ईएमएफ जो लेंगे हम 4+8 अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो अगर अपोजिट होगी तो इन्हें हम कन्वर्ट कर देंगे, आगे चल के देखते हैं। तो जो इसके अकॉर्डिंग इफेक्टिव ईएमएफ आएगा वो हमारा 12 वोल्ट आएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में बना हुआ है, बाकी मैं एक बार अभी चेक करूंगा, फिलहाल इसे समझो। तो अब इसके बाद हमें पहला काम है ईएमएफ निकालना, ईएमएफ कैसे निकाला हमने, दोनों में करंट की डायरेक्शन देगी, करंट की डायरेक्शन सेम है, सेम है तो दोनों का ईएमएफ हम ऐड कर लेंगे। इसके बाद देखना है हमें रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में नॉर्मल ये पॉइंट मानता हूं कि यहां से चलना है लोड पे यही आना है, ये पॉइंट ए माना, ए से जाना है और लोड पे वापस ए पे ही आना है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ए से हम चलिए, ए से चलने के बाद हम पहुंचे 4.5 पे, ये है 4.5 ओम। इसके बाद ये जो करंट है दो जगह डिवाइड होगा, जो पहले हम पढ़ रहे थे ये सीधा निकल जाता था तो ये सीरीज में हो जाते थे, अब ये दो जगह डिवाइड हुआ तो ये दो जगह हमने डिवाइड कर लिया, करंट यहां आने के बाद दो जगह डिवाइड होगा, एक 3 ओम में और एक 6 ओम में, वापस मिलकर ये फिर ऐसे ही चला जाएगा, तो वापस पहुंचा ये 1 ओम और इसके आगे चला तो ये 0.5 ओम और लौट के ये वापस पहुंच गया ए पे, ठीक। तो ये टोटल रेजिस्टेंस हमें कैसे निकालना है, ये बाकी तो सब हमें सीरीज में दिख रहे हैं, बस ये दो पैरेलल में दिख रहे हैं, ये पैरेलल में है तो इन्हें हम पैरेलल में ऐड कर लेंगे, यानी कि 1/r = 1/3 + 1/6, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, तो 3 × 2 = 6 और 6 × 6 = 6, 3/6 = 1/2, तो इसका जो रेजिस्टेंस आया वो आया 2 ओम, इसका टोटल ये आया हमारे पास 2 ओम। अब ये सब हमारे सीरीज में है, सीरीज में है तो इसका टोटल रेजिस्टेंस आएगा कितना, टोटल आर जो हम निकालेंगे इन सब को हम डायरेक्टली जोड़ लें, यानी कि 4.5 उसके बाद 2 फिर 1 फिर 0.5, तो आर की वैल्यू आई हमारे पास 8 ओम। सबसे पहला काम हमने टोटल ईएमएफ देखा, उसके बाद रेजिस्टेंस निकाला, रेजिस्टेंस आया हमारा निकल के 8 ओम। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले काम करना है करंट निकालना, करंट हम कैसे निकालते हैं, इसका पहला पार्ट क्या होगा, पहली पार्ट में आई निकालना, आई होता है E/R + R, पहले हम टोटल करंट निकाल लें, तो I = R, E की वैल्यू है हमारे पास 12 और ये R + R यानी टोटल R है 1 यानी 3/2, तो I की वैल्यू जो आई वो आई 1.5 एम्पीयर, I की वैल्यू हमारे पास 1.5 एम्पीयर आ रही है, तो ये जो मैं बोल रहा था ये दोनों सेल में बुक में जो डायरेक्शन दी हुई है दोनों में सेम डायरेक्शन दी हुई है, मगर ये डायरेक्शन अपोजिट है,
ये ठीक कर लेंगे। एक्शन की बुक में ये क्वेश्चन नंबर 35 है, एक्शन वाली बुक में क्वेश्चन नंबर 35। तो ये जो साइन है ये अपोजिट है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहां से जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। अपोजिट होने का मतलब अब यहां 8 में से हमको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा 4। तो इफेक्टिव ईएमएफ जो आएगा वो आएगा 4 वोल्ट। ये बुक में भी सही कर लेना। अब ई की वैल्यू आई हमारे पास 4, तो ये हम 4 रखेंगे हम, और टोटल आ जाएगा ये 1/2। 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर। तो जो हमारा ये सर्किट है, सर्किट में टोटल जो करंट आया निकल गए, टोटल करंट आया हमारे पास 0.5 एम्पियर। ये बात हमें ध्यान से देखनी है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमसे जो पूछी गई है वो वैल्यू पूछी हुई है करंट इन ईच रेजिस्टर। इसमें जितने भी रेजिस्टर लगे हुए हैं उस पर कितना करंट फ्लो होगा। तो हम देख पा रहे हैं जो टोटल करंट फ्लो होगा वो 8 और यानी कि 8 की कारण होगा, और वो A2 इस कंडीशन में फ्लो होगा टोटल करंट। तो जो टोटल करंट फ्लो होगा वो होगा कितना, 0.5 एम्पीयर। तो 0.5 एम्पीयर का मैं यहां से मान के चल रहा हूं, तो 4.5 ओम का जो रेजिस्टर है उसमें कितना करंट फ्लो होगा, 0.5 एम्पीयर। ये ध्यान से देख लेंगे, जो करंट मान के चल रहा हूं मैं A से चलना स्टार्ट हुआ, तो 4.5 वाले में होगा फ्लो होगा 0.5 एम्पीयर। ये इधर आया, यहां आने के बाद इन दोनों में डिवाइड हो गया, तो इसका देख लेंगे हम बाद में, जो कि 0.5 कुछ पार्ट इसमें जाएगा कुछ पार्ट इसमें, दोनों में होगा आगे वापस यही इतना ही मिल जाएगा। आगे चला तो 1 ओम में होगा जी कितना जाएगा, 0.5 एम्पीयर। तो अगर जो टोटल करंट था वो यहां से चलना स्टार्ट हुआ, इसमें हो गया 0.5 एम्पीयर का, यहां जाकर बट गया, बटने के बाद वापस कनेक्ट हो गए, फिर 0.5 एम्पीयर इसमें हो गया, और फिर 0.5 ओम में भी कितना हो गया, 0.5 एम्पीयर। अब इन दोनों का कैसे निकालें हम, इन दोनों में होकर कितना करंट हमारा फ्लो होगा। इसके लिए हम देखते हैं कि इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है। इसका टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाला था सीरीज में 1/3, 1/6, एलसीएम 6 लिया 2+1, तो 3/6, यानी कि इसका जो 1/R आया वो 1/2, R इक्वल टू 2 ओम। इस पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो हुआ हमारा 2 ओम। इसमें करंट जाएगा कितना, इसमें करंट जाएगा 0.5 एम्पीयर। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V=IR। ऐसे जो क्वेश्चन होंगे उसमें हमें सबसे पहले पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल निकालने के बाद ही हम करंट को डिवाइड कर सकते हैं। ये अगला स्टेप है, ये मान के चलो जो आगे आने वाले क्वेश्चन है उनमें हमें ये काम करना पड़ेगा, जहां भी करंट डिवाइड हुआ है उसके लिए हमें पोटेंशियल निकालना ही होगा, वहां उसके अलावा हम जो करंट है उसे डिवाइड नहीं कर सकते। उसका सीधा मेथड है, जो भी हमें पैरेलल में दिए हुए वो टोटल रेजिस्टेंस सॉल्व करना है, और इसमें जो टोटल करंट जाएगा वो हमें पता है कितना जाएगा। तो इसके लिए V=IR कितना हो जाएगा, 0.5 R की वैल्यू 2, ये 0.5 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो V आ जाएगा 1 वोल्ट। तो ये जो दोनों सिरे हैं पैरेलल में, ये मैंने सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले बताई, जो पैरेलल में पोटेंशियल होता है वो हमेशा सेम होता है, इसमें भी 1 वोल्ट और इसमें भी 1 वोल्ट। अब हमारे पास R की वैल्यू है, B की है, पहले वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं, B 1 वोल्ट और R 3 ओम। तो इसमें I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V/R, B की वैल्यू 1, R की 3। ये जो एम्पियर करंट है ये कौन से वाले में हो जाएगा, 3 ओम में हो गए। इसके बाद ये बचा 6 ओम, 6 ओम का पोटेंशियल तो वही सेम, मगर ये R कितना है, 6 ओम। तो इसमें करंट कितना जाएगा, I=V/R, V की वैल्यू 1, R की वैल्यू 6। तो इसमें होगा जो करंट जाएगा वो जाएगा 1/6 एम्पियर। तो ये हमने जो टोटल करंट था ईच रेजिस्टर में होगा वो हमने फाइंड कर लिया, और इसमें हमने देखा कि जो बुक है उसमें क्वेश्चन में एक मिस्टेक दी हुई है, उसे भी हम सही कर लेंगे। तो ये टोटल करंट हमारा ईच रेजिस्टर में होकर निकल गया। इसके बाद हमें निकालना है वोल्टेज अक्रॉस सेल E1।
जो इवन सेल है इसका वोल्टेज कितना होगा, ये फॉर्मूला जानते हैं हम, V इक्वल टू E माइनस आई आर। E की वैल्यू यहाँ कितनी है, 4। E की वैल्यू 4 है। ये इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखी जो टोटल करंट फ्लो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, मगर इस सेल के ड्यू टू जो करंट की डायरेक्शन है वो इसके अपोजिट है। अपोजिट है तो इसमें हमें करंट की डायरेक्शन लेनी पड़ेगी नेगेटिव। करंट है टोटल कितना 0.0, अब वो हमें माइनस लेना है तो माइनस माइनस प्लस, और इसका जो आर है वो आर कितना है 0.5 होगी। तो टोटल जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25, तो इसका पोटेंशियल आएगा 4.25 वोल्ट। इसे एक बार और देखेंगे, V equal to E minus IR, ये फॉर्मूला होता है। इसका सेल का E1 का EMF वो दिया हमें 4 वोल्ट माइनस I की जो वैल्यू है इसकी टोटल E1 के अपोजिट है, मगर E1 की डायरेक्शन टोटल के अपोजिट है, भाई E1 जाएगा आगे की ओर, ये रही इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, मगर टोटल भी इसके अपोजिट है, अपोजिट है तो इसकी करंट की डायरेक्शन ले लेंगे हम नेगेटिव, और R किसका है इसका, इसका R है 0.5 ओम, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे टोटल जो EMF आया इसका वो आ गया हमारे पास 4.25 वोल्ट। ये भाई इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, इसे और आगे बढ़ाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ, इसी टाइप का अपग्रेड लेवल है, इससे ऊपर लेवल शायद नहीं आएगा, आएंगे तो ऊपर दूसरे टाइप के हम लोग नहीं देखेंगे। इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, क्लोज सर्किट है तो सबसे पहले हम ये देख लें इसमें एक EMF है, यानी कि एक ही सेल लगा हुआ है, एक EMF है, इस पे हमें ज्यादा फोकस नहीं करना। E इक्वल टू 16 वोल्ट, इसका काम खत्म, ठीक। अब हमें इसका जो पहला पार्ट है उसी पे ध्यान देना, हमें निकालना सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना होगा। हम ए पॉइंट से चलें और चलने के बाद लौट के वापस ए पॉइंट पे ही आ जाएं, तो उसके बीच में हमें क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। हम ए से चल के आए, पहले पड़ा हमें 1 ओम, एक से चल के आए हमें पड़ा 1 ओम, 1 से हम आगे चले हमें पड़े, ये दो जगह डिवाइड हुए, हम चलने के बाद दो जगह डिवाइड हुए, दो जगह डिवाइड होने के बाद एक तो है 12 ओम और नीचे है ये 6 ओम। ए से चले हम, ए से चलने के बाद पहले हमें 1 ओम पड़ा, आगे चले दो जगह डिवाइड हुए 12 ओम 6 ओम, वापस आ गए एक जगह मिले, मिलने के बाद चले तो रास्ते में फिर एक पड़ा 1 ओम, फिर आगे चले फिर दो जगह डिवाइड हुए ये 4 ओम ये 4 ओम, और वापस लौट कर आ गए हम पॉइंट ए पे, ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा। अब ये 12 ओम और 6 ओम ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 1/6 1/12 एलसीएम आ जाएगा 12, 2+1 मतलब कि 3/12, इसे सॉल्व करेंगे 1/4, तो यहां से जो आर की वैल्यू आई वो आई हमारे पास 4 ओम, इस सर्किट की वैल्यू आ जाएगी 4 ओम। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों भी पैरेलल में है, पैरेलल में है तो इसे भी निकालेंगे 1/4 1/4 एलसीएम 4 1+1 2/4 1/2, तो इसका जो रेजिस्टेंस आया वो आया हमारे पास 2 ओम। सबसे पहली बात हमें ये समझनी है, ये 1 ओम अब ये काम करेगा 4 ओम, ये 1 ओम और ये 2 ओम, तो टोटल जो ये है अब ये हो गए हमारे सब सीरीज में, तो सीरीज में जैसे हम जोड़ेंगे R प्लस R, एक 1 ओम है ये हो गया 4, ये हो गया 1 और 1 है ये सारे, ठीक, और ये हो गया 2, तो 4 2 6 और ये हो गया 8 ओम। ये जो टोटल सर्किट है इसका टोटल रेजिस्टेंस आएगा हमारे पास 8 ओम। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें जो करंट फ्लो होगा कितना होगा, तो पहले हम निकाल लें टोटल करंट, तो टोटल करंट हम कैसे निकालेंगे, आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। E की वैल्यू कितनी है हमारे पास, E की वैल्यू 16 और R प्लस R की 8, 8 से ये
हम डिवाइड करेंगे 16 को 2 टाइम्स, तो ये जो सर्किट है इसमें टोटल करंट फ्लो होगा 2 एम्पियर। सबसे पहले बात हमें ये समझनी है, ये सब हमारा पुराना इंकॉर्पोरेटेड क्वेश्चन बड़े होते जा रहे हैं, हमें कुछ मतलब ना। हमने सबसे पहले ईएमएफ लिखा, उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस। अब इसमें क्या है कि जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ते हुए जा रहे हैं, पहले ये सीधे एक लाइन में होते थे तो इन्हें हम सीधे सीरीज में जोड़ लेते थे। अब क्या है कि हाँ ये दो पैरेलल के टर्म पड़ गए, पैरेलल के टर्म पड़े तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया तो इसका आ गया 4 ओम, इसको सॉल्व किया तो इसका आ गया 2 ओम। ये आने का मतलब ये है कि यहाँ जो है ये मानो कि ये दोनों नहीं है, इसकी जगह पे 4 ओम है, ऐसे ही यहाँ ये दोनों नहीं है, इसकी जगह 2 ओम है, बस इतना अंतर आया। इसके बाद करंट, ये सब पुराना फॉर्मूला, I equal to E upon R plus R, E की वैल्यू 16, R की 8, ये डिवाइड किया 2 टाइम्स, तो जो टोटल करंट आया हमारे पास वो आया 2 एम्पियर। ठीक है, टोटल करंट हमने देखा इसमें 2 एम्पियर आया। अब ये चलेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हम देख रहे हैं 2 एम्पियर का जो करंट है ये ए पॉइंट पे पहुंचा, ए पे पहुंचने के बाद ये पहुंचा, मैं इसको सर्किट के थ्रू बना दे रहा हूं इस कंडीशन में, और ये वापस आगे मिल जाएगा इस पॉइंट पर, आगे चला जाएगा। तो ये दोनों ही जो है हमारे 4 ओम और 4 ओम दिए हुए हैं, R1 और R2, R1 और R2 दोनों में करंट आएगा कितना, वो आएगा हमारा 2 एम्पियर। और इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये है 2 ओम। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने यही बात नोटिस करी है, अगर कहीं भी करंट डिवाइड होगा हमें सबसे पहले निकालना है वहां पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V = IR, जहां भी करंट डिवाइड हुआ वहां सबसे पहले हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो I की वैल्यू 2, R की वैल्यू 2, 2 या 4 वोल्ट हो गया ये, यानी कि इनके बीच में जो पोटेंशियल है पैरेलल है, ये भी 4 वोल्ट होगा और ये भी 4 वोल्ट। अब हमें निकालना है इन दोनों में होगा करंट, इसकी सारी वैल्यू है हमारे पास, इसकी है, यानी इसमें R1 वाले में हम I1 मान लें, I1 निकालें तो V/R, इसका पोटेंशियल कितना 4 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना 4 ओम, 4 से 4 कट जाएगा 1 टाइम्स, I1 की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर। ऐसे ही हम दूसरे वाले की बात करें I2 की, तो I2 की हम बात करें इसमें पोटेंशियल कितना 4 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना 4 ओम, तो I2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 एम्पियर। ये कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया, जहां भी करंट डिवाइड होगा तो इसका टोटल रेजिस्टेंस हम पहले निकाल चुके हैं 2 ओम, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम होगा और इसमें फ्लो होने वाला करंट 2 एम्पियर। तो सबसे पहले हमें निकालना है इसका पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बाद जो आ गया उसके बाद हम इसका करंट निकाल सकते हैं I = V/R। अब मैं इसको यहां लिख दूं, I1 आ गया हमारा 1 एम्पियर, I2 भी आ गया 1 एम्पियर। इसके बाद हम देख रहे हैं जो करंट है आगे कलेक्ट हो गया इधर, अब यहां से आगे जाएगा 2 एम्पियर, तो ये R3 में होगा पूरा निकल जाएगा 2 एम्पियर। तो मैं ये बात करूंगा जो I3 है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 एम्पियर, क्योंकि यहां कहीं भी करंट हमारा डिवाइड नहीं होगा। अब आगे चले तो करंट यहां से डिवाइड हो जाएगा, अब ये करंट यहाँ डिवाइड होगा 12 में और 6 में, ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पर यहाँ हमें दोबारा यूज करना। तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा कि जो करंट है वो हमारा चला 4 ओम, तो अब हम यहाँ देख पा रहे हैं जो R की वैल्यू है इधर 4 ओम है और I फ्लो होगा यहाँ वहाँ पे 2 एम्पियर। तो हमारा काम क्या है, हमें V निकालना है सबसे पहले, V = IR 2 × 4, तो V = 8 वोल्ट। तो इन दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल आया वो आया हमारा 8 वोल्ट और इसके बीच में भी 8 वोल्ट। तो यहाँ से हम I3 हमने निकाल लिया, I4 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें V/R, तो पोटेंशियल कितना आया 8, R कितना है 12,
तो ये हो जाएगा हमारा 2/3। इसके बाद हम I5 निकालें, I5 कोई B/R, तो B की वैल्यू यहाँ कितनी है 8 और R की वैल्यू 6, तो ये हो जाएगा 4/3, यानी कि I4 की वैल्यू आई हमारे पास 2/3 एम्पियर और I5 की वैल्यू आई 4/3 एम्पियर। ठीक, इसके बाद हमें और क्या देखना, इसमें ये 1 ओम रेजिस्टेंस और है, तो हम देख रहे हैं यहाँ से जो करंट है वो अब वापस इधर 2 एम्पियर हो गया, इसमें होगा भी कितना फ्लो होगा 2 एम्पियर, तो ये 2 एम्पियर इस कंडीशन में ये फ्लो होगा। इसके बाद हमें निकाला पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए बी एंड सी, ए और बी के बीच में हमने पोटेंशियल कितना निकाला था, ये हमने निकाल लिया क्वेश्चन को पहले, ऐसा जो सबसे पहले सॉल्व किया था, तो यहाँ होगा करंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर, ए और बी के बीच की मैं इसको पूरा ही करता हूँ, इसमें हम पोटेंशियल देखते हैं ए और बी के बीच, वी इक्वल टू आई आर होता है, तो ए और बी के बीच जो करंट है वो तो 2 एम्पियर ही फ्लो होगा, जो करंट है वो तो 2 एम्पियर ही फ्लो होगा ये सभी तक, पर इसके बीच का टोटल रेजिस्टेंस कितना है 2, तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल हुआ वो कितना हो गया 4 वोल्ट। अब हम बात करें बी से सी तक की, वी बी टू सी, V इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू यहाँ भी 2 एम्पियर है और R कितना है इधर 1, तो 2 बन जा 2 वोल्ट, ये हो गया V बी सी। इसके बाद हम बात करें सी डी की, वी सी डी, वी सी डी कितना होगा, V इक्वल टू आई आर, आई सब में 2 एम्पियर है, इधर R कितना है 4 ओम, 4 टू जा 8 ओम, ये हो गया वी सी डी टोटल वोल्ट। तो अब निकाले हम डी और ए का, यानी कि वी ए डी, तो इसमें कोई आई आर, आई सब में 2 एम्पियर है, इसका आर कितना है 1 ओम, इसका आर है 1 ओम, तो ये भी हो जाएगा हमारा 2 वोल्ट। अब एक बात हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में की थी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस है और ये सब सीरीज में जुड़े हुए हैं तो ये पोटेंशियल ही डिवाइड होगा सब में। अब देखो इसका जो पोटेंशियल आया वो आया हमारा 4 वोल्ट, ये आया 2 वोल्ट और ये आया 1 वोल्ट और इसका आया 2 वोल्ट, अब सबको ऐड करके देखो 60 आना चाहिए, तो सही है नहीं तो गलत है, 4 वोल्ट टू 6 6 और 8 14 14 और 2 16, तो ये 16 वोल्ट का ईएमएफ लगा हुआ है, ये सीरीज में सब पे डिवाइड होगा और अगर पैरेलल होते ये सब तो सबका 16 16 होगा, तो ये बात की हमारी इधर तक क्लियर होगी, अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो जो पोटेंशियल है वो सब में डिवाइड होगा, वो होगा कैसे ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। ये इसके सिंपल सर्किट के क्वेश्चन थे कुछ, ये हमने किए, इसकी प्रैक्टिस करके देखना, बाकी कोई भी आप वो तो उठा कर देख लेना, बाकी इसका एक टाइप और बचा, एक टाइप हो गया, एक टाइप और बचा, ये हम कल डिस्कस करते हैं, इस दूसरी वीडियो में ये किरचॉफ लॉ बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, बाकी आप और एक वीडियो में खुद ट्राई करके देखें, कोई भी बुक आप देख सकते हो, एक्टिव की ले लो और भी बुक है मार्केट में, बाकी आप देखना खुद ट्राई करो, मेहनत तो मैं ही कर रही हूँ।